हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत दिन से सोच रहे थे कि चला जाए सारनाथ बनारस घूमने, और खुद भी चलते हैं और सबको साथ भी लेकर चलते हैं। बनारस गए तो बहुत दिन हो गए, और गए तभी कहते थे कि जो उस टाइम हम ब्लॉगिंग भी नहीं करते थे, और अब चलते हैं। तब से हमें बनारस गए 5-6 साल हो गए, तो अभी सभी लोग के साथ चलते हैं। हम जाएंगे राकेश, पापा, फूफा और विकास और सबसे छोटा भाई छोटू। तो बाई रोड ही जाया जाएगा सभी लोग, गाड़ी और बाइक से। अगर आप लोग को भी चलना है तो आगे आगे हम चलते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। और आप लोग घर बैठे बैठे हमारे पीछे पीछे आइए, वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो अब चलते हैं, थोड़ा रेडी भी होना है, और रेडी होकर मिलते हैं सीधा बाइक पे। तो अभी हम लोग रसड़ा पहुँचे हैं, क्योंकि उधर में हम मोबाइल ऑन किए थे, लेकिन तो पावर बटन दब के मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो उधर का वीडियो नहीं बन पाया है। नगरा बेलथरा का रसड़ा पहुँच के जब चाय पीने के लिए रुके हैं लोग, तो देखे हैं तो मोबाइल ही ऑफ थी। तो इधर से ये रास्ता सीधा चला जाएगा मऊ, तो अभी आगे से चलकर हम लोग को लेफ्ट साइड घूम जाना है। गाजीपुर होते हुए हम लोग बनारस जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग को लेफ्ट साइड घूम जाना है। लेफ्ट साइड रास्ता सीधा चला जाएगा गाजीपुर। अभी तक तो बाय रोड बनारस तक नहीं गया है, लेकिन अब पहली बार बनारस जा रहा है बाय रोड। अभी रास्ता भी नहीं मालूम है। एक छोटा वाला भाई है, वो बता रहा था कि रसड़ा से सीधा गाजीपुर, गाजीपुर से चले जाओगे थोड़ा कुछ आगे तो 6 लेन हाईवे 4 लेन हाईवे मिलेगा, तो उसी को पकड़ के चले जाना। वो गया है बाय रोड, कई बार बनारस जा चुका है, हम तो पहली बार जा रहे हैं। मालूम नहीं आगे रास्ता कैसा मिलेगा कैसा नहीं। इधर तो वो तो बता रहा था कि थोड़ा बहुत इधर डिस्टर्ब मिलेगा, लेकिन आगे जब 4 लेन मिलेगा तो वो सही है। आगे गाड़ी में सभी लोग हैं, अभी बाइक से हम और विकास है। पहले तो घर से राकेश आया था बाइक में साथ में, तो उतर के गाड़ी में बैठ गया, उसको नींद आ रही थी बाइक पे। तो ऐसे सिंगल रास्ता में चलने में बहुत डर लगता है, क्योंकि कौन कब किधर से आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता है, और पट पट लोग इधर उधर रास्ता भी ना देखे क्रॉस कर देते हैं। और रास्ता भी बहुत भीड़ है सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में तो थोड़ा खाली रहना चाहिए, लेकिन अभी बहुत रास्ता भीड़ है। अभी तक हम लोग घर से 34 किलोमीटर ही कवर कर पाए हैं। तो अब हम लोग को यहाँ जंगी रोड से, जंगीपुर से हम लोग को हाईवे मिला है नंदगंज। पीछे रास्ता बहुत ख़राब था, 1-1.5 साल पहले हम और राकेश गए थे बनारस पापा को फ्लाइट पकड़ाने गुजरात के लिए, तो उस टाइम भी बाय रोड हम लोग आए थे, तो उधर आजमगढ़ साइड से आए थे, इधर से हम लोग नहीं आए थे। 8 बजे के निकले, निकले 10:56 हो गया हम लोग को, 3 घंटा लग गए यहाँ हाईवे तक आने में, गाजीपुर तक पहुँचने में। या ब्रदर नगवा उर्फ कटेला NH-31। तो सर ना हम लोग 12:30 बजे करीब पहुँचे हैं, तो भूख लगा तो आए हम लोग रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, देखते हैं कब तक खाना ऑर्डर कर दिए हैं और इंतजार कर रहे हैं कब तक खाना आएगा। खाना खा कर चलते हैं म्यूजियम और पार्क में। तो अभी हम लोग खाना खा के बाहर आ गए हैं। पास खाओ सभी लोग का नाम रजिस्टर हो गया है, और सामने तरफ में भगवान बुद्ध का प्रतिमा लगी हुई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध के मंदिर के तरफ में, तो अभी चल के अंदर दिखाते हैं। इस घर में भगवान बुद्ध की पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, और उधर और उस साइड में एक बहुत बड़ा प्रतिमा है उनका, तभी चलते हैं उस साइड में। बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे 6 साल तपस्या किया था, तो कोई अंजल ग्रहण नहीं किए थे, तो उसके वजह से उनका बॉडी ड्राई होकर ब्लैक हो गया था, तो उसके वजह से यहाँ पे उनकी ब्लैक मूर्ति बनी हुई है पीपल के पेड़ के नीचे में। और अभी आगे चल के देखते हैं सामने तरफ में, एक उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है पत्थर की। इधर साइड मेन दरवाजा है ये, और दरवाजे के जस्ट सामने साइड में वो एक बड़ी प्रतिमा बनी हुई है उनकी। Thank you.
बुद्ध के प्रतिमा के सामने में है और इनकी प्रतिमा की हाइट 80 फीट 9 इंच है। तो अभी हम लोग टेंपल में पूरा घूम लिए हम लोग, तो अभी जा रहे हैं दूसरे वाले म्यूजियम या दूसरे साइड में जा रहे हैं, देखते हो वहाँ पे क्या है। तो अभी हम लोग मंदिर के बाहर आ गए हैं, जा रहे हैं दूसरे साइड में। ये मैरिज हॉल है, कोई दोनों तरफ में पूरा टेंट लगा हुआ है। तो अभी हम लोग आर्ट गैलरी के पास में आए। क्या बोल रहे साड़ी? ये बन रहा है लहंगे का थान और साइड वाले में बन रही है बनारसी साड़ी। ये दो ठो लगा है लंच बजाय कारगर, ये दो ठो लगा है कि आप लोग देखें बनारसी साड़ी कैसे बनती है। गांव में बहुत सारा कारखाना चलता है, सब यहाँ सोसाइटी को जमा होता है, उसमें रनर कुशन बेड कवर वाली तबक्की इसका आप है और इसको आप टच करके देखिए सिल्क, इसको भी टच कीजिए सिल्क। तो इसमें तीन प्रकार का लूम होता है, पावर लूम होता है, शटर लूम होता है, हैंड लूम होता है। जो पावर लूम होता है पॉलिस्टर नायलॉन चलाता है, जो शटर लूम होता है उसमें एक बॉबिन चलती है, वो ऐसे ऐसे चलाते हैं, उसमें खादी काटन बनता है। जो हैंड लूम होता है इसमें जो है तो सिल्क चलता है, बहुत सारी बॉबिन ऐसी चलती है, बॉबिन में चलाते हैं। देखिए और इसका सीधा बोले कि नीचे हैंड में जो भी रहता है सीधा नीचे को अंदर चले। देखिए इस साइड में यहाँ पे लंगे का थान बन रहा है यहाँ में, और इस साइड में बनारसी था साड़ी। तो अभी जो हमारे पीछे मशीन देख रहे हैं इसमें बनारसी साड़ी बनती है। तो ये भाई साहब अभी है नहीं, अभी लंच पे गए हुए हैं खाना खाने। तो अब अभी यहाँ में जब तक है तब तक आ जाएंगे, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो फिलहाल अंदर चलते हैं। यहाँ पे जितना भी सारा कपड़ा है सब बनारस में बना हुआ है, बनारसी साड़ी, बनारसी लहंगा, बनारसी सब कुछ है, कोट पैंट यहाँ में जितना भी सारा सब चीज़ है वो सब बनारस में बना हुआ है। तो अभी हम लोग आ गए हैं बाहर, जा रहे हैं दूसरे साइड में। तो अभी चल के देखते हैं दूसरे साइड में कैसा क्या है, तो उधर का भी जैसा भी सीन होगा आपको दिखाएंगे। तो अभी ये सामने वाले रास्ते से हम लोग आए थे, आकर उधर साइड में हम लोग बाइक और गाड़ी पार्क किए हैं। तो अभी आगे साइड में चल के देखते हैं, वहाँ पर म्यूजियम है। हम लोग म्यूजियम के अंदर हैं, यहाँ में मोबाइल अलाउ नहीं है और म्यूजियम के अंदर कुछ सीन ऐसा है। तो म्यूजियम के अंदर हम लोग गए थे तो वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था, तो वीडियो नहीं बना पाए हैं वहाँ पर। तो अभी उसके साइड में म्यूजियम के लेफ्ट साइड में एक पार्क है, तो उसमें हम लोग आए हैं। तो यहाँ में दो रास्ता है, यहाँ में अशोक स्तंभ जाने का मार्ग, तो आप लेफ्ट राइट साइड जा सकते हैं, और धर्मचक्र विहार जाने का मार्ग, तो धर्मचक्र विहार जाने का रास्ता ये है। तो अभी धर्मचक्र विहार की तरफ चलते हैं।